टी20 वर्ल्ड कप 2021 में रविवार को मुकाबला अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा था, लेकिन करोड़ों भारतीयों की नजरें इस मुकाबले पर टिकी हुई थी क्योंकि अफगानिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत ही टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खोल सकती थी। भारतीय टीम ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ करारी हार के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, लेकिन उसकी किस्मत अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबले पर टिक गई थी। लेकिन कीवी टीम ने भारतीय टीम के साथ साथ करोड़ों भारतीयों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। न्यूजीलैंड से मेरी हार के बाद अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नमी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है, खास तौर पर भारत को लेकर एक ऐसा चौंकाने वाला बयान दिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। तो वहीं केन विलियमसन ने भी भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़कर सेमीफाइनल में जाने के बाद केन विलियमसन ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि देखकर या सुनकर हर कोई हैरान रह गया, और क्या कहा मोहम्मद नबी ने, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। खैर, आइए जानते हैं पहले तो इस मैच में हुआ क्या है। मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अफगानिस्तान ने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में कीवी टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 124 यानी 124 का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद से ही जीत के आसार अफगानिस्तान के तो कम ही नजर आ रहे थे। 125 रन का लक्ष्य कीवी टीम ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल करके अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्की कर ली है। ये जानने से पहले कि केन विलियमसन ने क्या किया है चौंकाने वाला खुलासा और भारत को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं एक ऐसे सेमीफाइनल के समीकरण को जो आपको और भी ज्यादा हैरान करेगा। टी20 वर्ल्ड कप 2021 में नया चैंपियन मिलने के 50-50 चांस बन गए हैं। सेमीफाइनल में पहुंची चार टीमों में से इंग्लैंड और पाकिस्तान तो एक एक बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम ऐसा नहीं कर सकी है। आरोन फिंच और केन विलियमसन 14 साल से टी20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम के खिताबी सूखे को दूर करने की कोशिश करेंगे। जीत के बाद कप्तान केन विलियमसन ने कहा, हम लोगों ने आज हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया, खास तौर पर इस पिच पर 150 रन के अंदर अफगानिस्तान को रोकना हमारे लिए एक बेहतरीन काम था। हालांकि अगर मैं भी टॉस जीतता तो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करता। हमने फील्डिंग काफी शानदार की है। दिन के खेल में ऊर्जा बचाकर रखना वैसे तो जरूरी होता है, लेकिन फिर भी हमारे फील्डर्स ने कहीं कोई चूक ही नहीं की और इसी वजह से भारत का सपना टूट गया है। जी हाँ, भारत को लेकर कहा कि भारत एक अच्छी साइड है और हमारे इस मुकाबले पर भारतीयों की निगाहें जरूर टिकी हुई थी, लेकिन हमने अपना पूरा खेल दिखाया। हमारी पहली कोशिश सेमीफाइनल में जाने की और उसके बाद फाइनल में जाने की है, लेकिन जी हाँ, यहाँ पर भारत के लिए और भारतीय फैंस के लिए ये एक बड़ी दुख की खबर है। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। तो पहले तो आइए जानते हैं क्या कहा है केन विलियमसन ने, उसके बाद जानेंगे मोहम्मद नबी के उस बयान के बारे में जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। मोहम्मद नबी से जब पूछा गया कि आपके इस मैच पर पूरे इंडिया का सपोर्ट आपके साथ था, तो उन्होंने कहा, जी हाँ, ये पॉइंट टेबल का खेल है और ऐसा हुआ है, लेकिन हमने अपने खेल को प्रायोरिटी दी है, हमने अपना खेल दिखाया है, लेकिन जैसे हम चाह रहे थे वैसे नतीजा नहीं हुआ। हमने इस गेम के दौरान कई सारी गलतियां की जिसकी वजह से ये मुकाबला हमारे हाथ से छिन गया है, और एक खास तौर पर एक ऐसी बात रही इस मुकाबले के दौरान, न्यूजीलैंड का एक बल्लेबाज आउट था लेकिन हमारे किसी अपील नहीं करने पर एम्पायर ने उसे आउट नहीं दिया, हमें पता नहीं चला, तो ये एक बहुत बड़ी लूपहोल्स रही हमारी तरफ से। बाकी जो है, हमारे इस मैच में कई सारी गलतियां करी हैं जिसकी वजह से ये मैच हम हार गए हैं, और भारतीय फैंस भी इस मैच के बाद निराश हुए हैं, उन्हें भी सेमीफाइनल के जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन अब आप क्या सोचते हैं टीम इंडिया के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।